सिद्धार्थनगर जिले से, जहां पर जिला अस्पताल में लापरवाही के चलते एक मासूम की जान चली गई, जिसके बाद में परिवार के लोगों ने जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में बवाल करना शुरू कर दिया। पूरा मामला सदर थाने का है, जहां क्षेत्र के धौरी कुया गांव में, जहां पर आज सुबह करीब 4 बजे एक 7 वर्षीय बच्ची को जहरीले सांप ने काट लिया, जिसके बाद में परिजन किसी तरीके से उसको जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन इलाज के अभाव में उसकी मौत हो जाती है। इसे आरोप मृतक बच्ची के परिजनों ने आरोप लगाया है। साथ ही साथ परिजनों ने आरोप में यह भी लगाया है कि वह जब अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों ने इलाज करने से मना कर दिया और गोरखपुर के लिए रेफर कर दिया। काफी मिन्नतों के बाद में डॉक्टर ने इलाज शुरू तो किया और बच्ची के पिता को बाहर दवा लेने के लिए भेज दिया। पिता जब वापस दवा लेकर आया तो डॉक्टरों ने बच्ची को ले जाने को कहा और मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद में अस्पताल में परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया और इंसाफ की मांग करने लगे। सूचना पाकर मौके पर सदर थाना की पुलिस भी पहुंच गई, तब मामला कुछ शांत हुआ। वहीं CMS डॉक्टर नीना वर्मा ने कहा कि इमरजेंसी वार्ड के डॉक्टर ने उन्हें मामले की जानकारी दी और उस बच्ची को 8 SV के इंजेक्शन लगाए, लेकिन बच्ची की हालत में सुधार नहीं आया, जिसके बाद में उसे गोरखपुर रेफर कर दिया गया, लेकिन परिजन गोरखपुर नहीं ले गए और उसका इलाज यहीं पे जारी रहा, लेकिन उसकी 7:30 बजे के करीब मौत हो गई, जिसके बाद में उसके परिजनों ने बवाल करना शुरू कर दिया और CMS के कहने पर पुलिस ने मामला शांत करवाया और डॉक्टरों की लापरवाही की जांच करने के लिए बच्ची का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। जो ड्यूटी के EMO थे, उन्होंने फोन किया कि एक बच्ची यहाँ पर अंजलि नाम की भर्ती हुई है, 7 साल की, किसी धौरी कुइया गांव के रहने वाली। तो उस बच्ची को सांप सर्पदंश हुआ था और उसको 8 इंजेक्शन अस्पताल के ASV के लगाए गए, एंटी स्नेक वेनम के, लेकिन उसके बावजूद उसकी तबीयत में सुधार नहीं हुआ। बच्चों के डॉक्टर संजय चौधरी को बुला के उन्होंने दिखवाया और उन लोगों को बताया भी गया कि इसको गोरखपुर अगर ले जाइए तो शायद बच सके, लेकिन घर वाले कहीं ले जाने को तैयार नहीं हुए, तो उसको वहीं रख के मैनेज किया गया। अच्छा, लगभग 7:30 बजे उसकी जब डेथ हो गई तो उन लोगों ने बवाल काटना शुरू कर दिया। इतना ज्यादा बवाल काटा कि डॉक्टर्स और कर्मचारियों को जाके पीछे दूसरे वार्ड्स में छुप छुप के अपनी जान बचानी पड़ी और उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस उनके कहने पर तो नहीं आई, लेकिन उन लोगों ने हमको कहा, तो मैंने पुलिस यहाँ के ASP सर को फोन करके और पुलिस को अरेंजमेंट किया, तब जाके मामला थोड़ा थमा। अब वो लोग शायद एम्बुलेंस के लिए वो कर रहे हैं, तो शव वाहन तो वो अगर ऐसे भी कह देते तो हम लोग उनके लिए अरेंज कर देते, कोई उसके लिए। तो आप मैम, शव कहाँ गया इस समय? मॉर्चरी के लिए। लोग उसके इलाज में कोताही की बात कर रहे हैं, तो शव का पोस्टमार्टम कराने में कोई वो नहीं है कि करा दिया जाए और जो उनको जो कमी लग रही है वो सामने आ जाएगी। कैलाश, हमारा कैलाश नाम है, तो यहाँ यहाँ तो दवाइये नहीं भाई, दवा 10 रुपया के वहाँ पे लिख के भेज दिन, पर्ची भी अभी था थे हमें, तो वहाँ से लेके आए तो इंजेक्शन लगाए कि भाई यहाँ पे जाओ बाहर जाओ। ये जो व्यक्ति का है, कौन है आपकी? हमारी लड़की है सर। कितने साल की है? 8 साल के। क्या नाम है इसका? अंजलि। क्या हुआ था? सांप काट है। डॉक्टर कहाँ है? सुई लिख दी है, उसके बाद में दवाई लेके आए, दवाई लाओ के बाद में वो इंजेक्शन लगा दें, कहा तो बाहर लेके जाओ। क्या चाहते हैं आप? अब तो जिंदा तो कह नहीं पाई, हमें तो जिंदा चाहिए। सांप काटा था 4:30 बजे, ये लोग 5 बजे अस्पताल आ गए, तो डॉक्टर साहब कोई मौर्या करके हैं, तो ये कह रहे हैं कि यहाँ महेंद्र मौर्या, तो ये बता रहे हैं कि यहाँ कोई दवा नहीं है, ले जाइए गोरखपुर, बल्कि डिस्चार्ज कागज ये बना कर दिए हैं। उसके बाद बहुत कहने से दवा स्टार्ट किए, थोड़ी देर के बाद पता चल रहा है कि एक्सपायर हो गए, हम लोग भी सुने हैं तो आए। दवा हुआ दबाव से, मतलब बहुत कहने होने से सिफारिश पे दवा ये लोग चालू किए हैं समय बिताने के बाद। तो इस समय मामला क्या चल रहा है, क्यों आप लोग खड़े हैं? हम लोग खड़े हैं कि इस पर कोई कार्यवाही हो, आज इसके साथ हुआ कल दूसरे के साथ होगा, डॉक्टर जब यही लापरवाही है। पोस्टमार्टम में डॉक्टर बताया जा रहा है कि ये विधायक जी के पटीदार के भाई हैं, उनके साथ ऐसा हो रहा है। जी जी जी, और लोगों के साथ क्या होगा, वो तो भाई क्या कहा।